तो प्रीवियस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे गेट के बारे में, फ्लिम गेट के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्लिम गेट जो रहेगा ना, फ्लिम गेट आपको मेनली यूज करना है जहां पे भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली फील करना है। दूसरा, पार्ट का थिकनेस जहां पे कम रहेगा वहां पे, क्योंकि इस गेट का जो थिकनेस रहेगा, मतलब ये हम लोग 0.2 mm से 0.3 mm से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पे भी गेट करने के बाद आपको ज्यादा बड़ा मार्क नहीं चाहिए, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। ये जो पार्ट दिखा है इस इमेज में, स्क्वायर एक पार्ट दिखा है, उसमें क्या है ना, कैविटीज के बाजू में हम लोगों ने एक चैनल बनाया, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा नजदीक ले लेता हूँ। और जो चैनल रहेगा वो कैविटी के काफी नजदीक रहेगा, और फिर आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ट्यूब बनाया, ठीक। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 2 mm मैक्सिमम, 2 से 3 mm मैक्स। फिर इसके बीच में जो भी यहाँ यहाँ तक आप इसको डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस एरिया को आप डाउन करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा ही एरिया बना रहा हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हो इस तरीके से। अभी ये इसका जो डेप्थ रहेगा ना, ये आप 0.2 mm से स्टार्ट कर सकते हो, और ज्यादा बड़ जितना बड़ा आपको चलेगा वहां तक रख सकते हो, 1 mm में, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है ये काफी बड़ा रहता है, और इसके लिए आपको विड्थ जो है वो कम रखने का स्कोप रहता है, जो कि जितना ज्यादा डेप दोगे उतना कटिंग करने में भी दिक्कत आएगी। तो इसका क्रॉस सेक्शन कुल मिलाकर चेक करेंगे तो उसका एरिया काफी बड़ा बनता है। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। थिन वॉल कंपोनेंट में ये ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म फिलिंग जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे क्या फिलिंग का जो पैटर्न रहेगा ना, वहां उसके बाद फ्लो मार्क जनरेट हो जाते, तो ऐसा पूरा रेक्टेंगुलर शेप का पार्ट है, लंबा पार्ट है, और आप इसको फिल कर रहे हो, और आपको उसमें कोई भी मतलब जो फीलिंग रहेगा यहाँ से यूनिफॉर्मली चाहिए विड्थ में पूरे की पीर, तो पूरी विड्थ इसको आप कवर करके रनर में फिल्म गेट दे सकते हो, ठीक है। ये जो सेक्शन रहेगा ना फिल्म गेट, यहाँ पे लिखा ये जो रहेगा ना, ये पतला रहेगा और इसको आप आराम से कट कर सकते हो। फिल्म गेट का आपको क्लियर हो गया अंकुश? सकती तो देखिए ये एक ही फैमिली से आते हैं, साइड गेट हो गया, फैन गेट हो गया, टैप गेट हो गया, फिल्म गेट हो गया, ये हमेशा एज के ऊपर काम करेंगे। बस टैप गेट नीचे, एज के नीचे से रहता है, कंपाउंड के थिकनेस के नीचे से रहता है, अदरवाइज ये तीनों गेट एज में रहते हैं, साइड, फैन और फिल्म। फिर नेक्स्ट जो गेट रहेगा वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कौन सा दिया है वो देख लेते एक बार। फिल्म गेट, फैन गेट, मैंने आपको ये तीनों गेट बताए, टैप, फिल्म, डिस गेट को देखेंगे। अब ये जो फैन गेट है ना, फैन गेट और डिस गेट ये काफी एक दूसरे के नजदीक है। इस गेट को हम लोग ये डिस गेट करके बुलाते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे कि ये पतला वाला फिल्म है ना, तो उसी तरह से बीच वाला जो रहेगा, ये डायफ्राम गेट बताए ना, ये जो है यहाँ से, ये कंपोनेंट है आगे वाला, लेकिन ये बीच का जो रिंग दिख रहा है ना आपको, एक पतला वाला फिल्म है, पतला वाला फिल्म है, इसके लिए क्या होता है, ऐसे वो बनता है, ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रे कलर का, ये ऐसा पतला वो बनेगा, लेकिन ये पार्ट को चारों साइड से यूनिफॉर्म फिलिंग करेगा, ठीक है।
इतना उसको, ये खाली सर्कुलर पार्ट पे यूज होगा। हेलो, ये सर सुन रहा हूँ। या डिस्क गेट जो रहेगा सर्कुलर पार्ट में यूज कर सकते हैं, फिल्म गेट जो रहेगा एज के पार्ट में यूज कर सकते हैं, है ना, ये डिफरेंस है। पर सेम है, आपको ग्रेजुअली पार्ट को फिल करना है ऊपर से नीचे तक या अंदर से बाहर तक, और उसको सभी साइड से आपको फीडिंग करना है, तो ये यूज कर सकते। फिर वो पतला रहते हैं उसकी वजह से बाद में उसको प्रेस के ऊपर दबा के या कुछ कटिंग करके निकाल सकते हैं। डिस गेट, अभी ये सब गेट के बाद कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए, उसके बाद भी और कुछ गेट बनते हैं वो ऐसे, जैसे कि रिंग वाला गेट हो गया, रिंग गेट। तो रिंग गेट का पर्पस देखिए यहाँ पे, इसमें दो टाइप के दिए उन्होंने, ये हो गया स्प्रूबुश, फिर उसके बाद रनर, फिर उसके बाद यहाँ पे रिंग गेट दिखाई, यहाँ पे रिंग दिखाई बाहर से कंपाउंड के साइड से, ये हो गया आउटर से और ये गया इनर से। तो फिल्म गेट जो मैंने दिखाया उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा अंदर वाला एरिया फिल होता है प्लास्टिक से, जिसमें क्या ये जो कनेक्टिविटी रहती है पार्ट के साथ वो 360 डिग्री में रहेगी, लेकिन उसका जो कटिंग सेक्शन है ना वो थिन रहेगा। बट वेर एज ये जो रिंग गेट रहेगा ना, इसका सेक्शन क्या रहेगा, मोटा रहेगा, डायमीटर वाला रहेगा, और ये पार्ट की एज को बाहर से कनेक्ट होगा। तो इसके बीच में जो भी दे रहे हो ना, उसको अगर बड़ा रखते हो तो फिर कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये थिकनेस, ये बहुत मोटा लग रहा है, पूरा कनेक्ट है। ये मोस्ट नॉट यूज्ड गेट है, ध्यान में रखिए, मोस्ट नॉट यूज्ड, मतलब जनरली क्या हर किसी को गेट कटिंग का परेशानी ही रहता है, वो इस गेट में ज्यादातर जाते नहीं। अगर देना ही है तो फिर ऐसे चार स्पोक वाला गेट दे सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना स्पोक वाला गेट, तो क्या चार साइड से वो रनर सर्कुलर पार्ट रहेगा ना, उसको यूनिफॉर्म मतलब वॉलिटी नहीं आना चाहिए, उसके लिए ना चारों साइड से गेट देंगे, फिर उसमें एज गेट ओपन कर देंगे, और फिर उसको कटिंग भी इजी हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रिंग गेट ये ज्यादा यूज होता है स्पोक वाला है। ठीक है, इसको नंबर ऑफ ब्रांच आप बढ़ा भी सकते हो, 6-8 कर सकते हो, जैसा आपको उसको फ्लो कंट्रोल करने का रहेगा, कितना इजी भरना है उसको, और नंबर ऑफ गेट कितना आप कट कर सकते हो उसके ऊपर। ओके, यहाँ पे टैप गेट का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया ऑलरेडी, ये क्या होता है थिकनेस में लग जाता है टैप गेट। ओके, तो साइड गेट, फिल्म गेट, फैन गेट, फिल्म गेट, ये एक ही फैमिली से, ये भी उसी से, बट ये सर्कुलर में काम करेगा। स्पोक और ये रिंग गेट का सेम काम है, बट ये रिंग में क्या होता है बहुत बड़ा सेक्शन आता है, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। स्पोक गेट यूज हम लोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट में। अभी मेजर फिर आपको यूज करने हैं ये दो वाले गेट, एक तो बनाना गेट आता है, ये एक सबमरिंग गेट आता है। अभी ये जो सबमर्ज गेट है ये काफी ज्यादा यूज होता है। अभी सबमर्ज गेट में होता क्या है, जो पार्ट इजेक्ट होता है ना तभी ऑटोमेटिक डीगेटिंग का काम करता है, मतलब गेट रनर डिस्कनेक्ट हो जाएगा पार्ट से। तो ये देते कैसे, ऐसे 45 डिग्री में एंगल रहेगा, हम लोग एक बनाएंगे इधर, जो भी कैविटीज हम लोगों ने ड्रॉ की है ना उसमें हम लोग बनाएंगे। यस, मशीन कैसे हुआ हुआ सबमरिंग गेट? हाँ, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, इसको मैं कट कर देता हूँ। एनएक्स का स्क्रीन दिख रहा है, कैन यू सी? यस, ओके, एनएक्स का दिख रहा है। ओके, तो सबमरीन जो गेट यूज कर रहे हो ना, उसके पहले जो भी पार्ट में आप यूज करोगे उसमें सबसे पहले आपको वहां पे क्या चाहिए, थिकनेस। देखिए ये क्या है, रनर का लेवल यहाँ पे सीधा सेंटर बराबर, तो ये जब भी बनेगा, ये बनेगा एक तो कोर साइड में बनेगा या तो कैविटी साइड में। देखिए अब आप ऐसा अज्यूम करो कि ये पार्टिंग लाइन है ना, ये मेरा कोर ब्लॉक है, तो इस सेंटर के नीचे ये बन रहा है ना, तो इसमें पार्ट में क्या चाहिए, हाइट चाहिए। कितना हाइट चाहिए, कम से कम आपको 5 mm तो चाहिए ही चाहिए,
अभी एक दो एमएम दो एक एमएम में पॉसिबल नहीं है, दो एमएम में नहीं, कम से कम 3 एमएम के साथ आप छोटा सा ओपन कर सकते हो, बट वो काफी डिफिकल्ट काम होता है। 5 एमएम वाले हेड के पार्ट के साथ आप मिनिमम इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा पार्टिंग लाइन है ऊपर वाला लाइन, और उसके नीचे क्या हो गया, हाफ राउंड रनर आ गया, फिर उसमें ये आ गया सबमरीन गेट आ गया। ठीक है, तब इसको बनाते कैसे, मशीनिंग कैसे करती है, ये आपको जरा एक्सप्लेन कर दो। रनर मशीनिंग करना बड़ा टास्क नहीं है ना। यहाँ पे कैविटी ड्रॉप कर देता हूँ तो इजी रहेगा, समझ मिलने में आसान रहेगा। क्योंकि ये कुछ कैविटीज में इसको बनाया, यहाँ पे कैविटी है, सेम मिरर कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे दूसरे इसमें भी वही है करके। फिर इसके बीच में एक रनर हम लोगों को चाहिए, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको गेट बना देंगे, सबमरीज गेट। फोर्टी फाइव डिग्री आपको ये रखना है, 45 डिग्री से कम नहीं रखना है। ये थोड़ा ओपन करने का बच गया। अभी जहां से आप स्टार्ट करो ना, तो ये डिस्टेंस आपको कम से कम यहाँ पे ना 5 एम का रखना है, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये करते, इसका मशीनिंग करते एंगल में, ऐसे हम लोग
एक तो ईडीएम मशीन के ऊपर इसका मशीनिंग करना है सबसे पहले, आपको लगेगी ईडीएम मशीन। कैविटीज का जो हाइट है इसके लिए आपको मिनिमम 5 mm रहेगा तभी जाके ओपन कर सकते हैं। 45 डिग्री में यूज करना है तो क्या नीचे इसको निकलने में आसानी हो जाती है। और इसको हम लोग 5 axis अगर ईडीएम रहेगा ऑर्बिटल वाला तो उसमें भी हो सकता है, या तो कैविटी प्लेट को हम लोग को ऐसा एंगल में लगाना पड़ता है 45 डिग्री में। इस तरीके से ये ओपन होगा। अब इसमें होता क्या है, जब भी ये पार्ट अगर जैसे आप बना रहे हो और इस पार्ट को आप मोल्ड के बाहर निकालोगे, यहां से पुश करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक इजेक्टर पिन देना है। ये डिस्टेंस अगर 5 mm रहेगा तो यहां से आपको 5 mm छोड़ के यहाँ पे इजेक्टर पिन डालना है। ऐसे इजेक्टर पिन अगर आप प्लान करते हो तो जैसे, और इस पार्ट के नीचे भी कुछ इजेक्टर वाला पिन रहेगा आपका, है ना। तो इस पार्ट को अगर पुश करोगे बाहर, यहाँ पे गेट के बाजू में यहाँ पे अगर आप पुश करोगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अंडरकट बन गया ना, जेड डायरेक्शन में एंगल में निकल नहीं सकता। तो यहाँ पे एक इजेक्टर पिन रहेगा और फिर इसको आप पुश करोगे तो क्या होगा, इजेक्टर पिन पुश करेगा इस वाले रनर को, अंदर वाले रनर को, तो यहाँ से बेंड होके वो बाहर निकलेगा। लेकिन जब भी बेंड होने का टाइम आता है तब यहाँ पे एक शार्प एज आता है ना, ये जो कैविटी का, तो उससे क्या हो जाता है, वो कट हो जाता है। तो फिर पार्ट अलग और रनर अलग, ये उसका बेनिफिट है। क्लियर? हेलो। यस। तो देखिए क्या करना है, इसको ये गेट जब भी बनाओगे तो उसके पीछे आपको तुरंत पीछे यहाँ पे आपको इजेक्टर पिन देना बहुत जरूरी है। कितना पीछे, कम से कम जो एज का यहाँ से जो ओपनिंग है ना, यहाँ से आपको 5 mm से 8 mm तक एक पिन देना जरूरी, तभी जाके वो उसको क्या करेगा, खींच पाएगा। अगर दोनों साइड से रनर आ रहा है, एक मिनट, सेक्शन बंद कर देता हूं एक बार। और जो इजेक्टर पिन रहेगा ना वो जरा स्ट्रांग होना चाहिए ना, स्ट्रांग मतलब कौन सा, मिनिमम मतलब 4 mm से तो नीचे नहीं यूज करने। 4 mm के नीचे अगर यूज करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा, वो खुद बेंड हो जाएगा, पार्ट को निकालेगा नहीं निकालेगा पता नहीं। देखो यहाँ पे ये पिन है, और पिन पिन जब इसको आप पुश करोगे तो क्या होगा, यहां से ये डिगेट हो जाएगा, है ना, स्टेरिंग हो जाएगा इस शार्प एज की वजह से, और फिर ये सीधा बाहर आएगा। ये जो मैंने लेआउट दिखाया दो कैविटी के लिए सबसे बेस्ट है, जो डिस्टेंस है आप कम से कम 15 mm रख सकते हो, है ना। और अगर नहीं, अगर दो बहुत दूर दूर कैविटीज है तो ये क्या करेगा, एक पिन कम से कम यहाँ से
आपको 5 mm डिस्टेंस रखना है, तो 5 mm नजदीक रहने की वजह से क्या करेंगे, पूरा फोर्स लगाएगा उसको पुश करने के लिए, फिर यहां से ऑटो डिगेट हो जाएगा। ये हो गया आपका सबमर्ज वाला गेट। ये क्लियर हो गया आपको सबमर्ज वाला गेट, इसका फंक्शन समझ में आया। और फिर इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो आएगा बनाना वाला गेट। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको जरा पहले बता दूं मैं। ये जो सबमर्ज वाला गेट रहेगा ना, ये हमेशा मतलब नीचे नीचे की डायरेक्शन में जाता है और निकलता है, तो फिर क्या हो? ये एंगल में ना, यहाँ तक तो अपनी क्या ये रहती है, प्लेट रहती है, कोर प्लेट वगैरह, सॉरी यहाँ तक नहीं, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ वापस से। यहाँ तक ये रहेगा, प्लेट रहेगा, तो ये क्या बेंड होके निकलता है, ठीक है ना। नीचे वाला पोर्शन क्या करेगा, कैविटी से ये वाला पोर्शन, अगर यहां से ये तो आगे आ गया बराबर, ऊपर वाला एरिया अंडरकट बन गया, तो ये क्या करेगा, बेंड होके बाहर निकलेगा। बेंड होगा ना बराबर कि नहीं, पतला है यस सर, होगा, डिगेट होगा, तो बेंड होके बाहर निकलेगा। तो ये जो गेट है सबमरीन टाइप ऑफ गेट, इसका मेन ये बेनिफिट क्या है, जो भी पार्ट बनेगा वो ऑटोमेटिक कट होगा, है ना, पार्ट के साथ अटैच नहीं रहेगा। एज गेट में वैसा होता नहीं है, वो पार्ट के साथ ही रहेगा। जहां से जहां आपको ऑटोमेटिक प्रोडक्शन चाहिए, तो वहां पे आपको सबमरीन गेट जैसा यूज करना पड़ेगा। नहीं मतलब ऑटोमेटिक प्रोडक्शन इन द सेंस ऑटो, मतलब फॉल तो ऑटो होगा पार्ट, लेकिन डिगेट हो गया ना, डिगेटिंग का काम नहीं करना है। तो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में काफी यूज होता है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा रहता है, फिलिंग भी इजी होता है, लेकिन डिगेटिंग भी इजी होता है, लेकिन बड़े पार्ट्स में ये ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है इंजेक्ट करने का कैपेसिटी कम रहेगा ना बाकी बाकी गेट से। यस सर, ठीक है। और फिर आगे का जो गेट रहेगा ये रहेगा बनाना गेट। बनाना गेट क्या रहेगा, नीचे जाके ऊपर आता है, एकदम बनाना का जो शेप है ना वैसे आपको दिखेगा, इसके लिए इसको बनाना गेट बोला जाता है। अभी इसमें बेनिफिट क्या है ओवर द सबमरीन गेट, ये डिगेटिंग तो हो जाता है, बट इसमें अगर किसी पार्ट को आपको अपीयरेंस वाले साइड में गेट नहीं देना है ना, दिखना नहीं चाहिए पार्ट का गेट, नीचे वाली बाजू से देना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ तक रनर लाया और पार्ट के नीचे से लेके गए और यहाँ पे ये गेट हम लोगों ने बना दिया, तो ये भी बेंड होके निकलता है। लेकिन इसका रूल क्या है, इसके जस्ट पीछे 10 mm के पीछे, 10 mm के बाद वहां पे एक इजेक्टर पिन चाहिए स्ट्रांग वाला, क्योंकि ये काफी अंडरकट रहता है, पूरा बेंड होके निकलता है, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रांग पिन चाहिए। अभी इसका जो डिजाइन है वो कंप्लीट बनाना जैसा रहेगा, यहाँ पे कम डायमीटर रहेगा, आगे ज्यादा छोटा, मतलब छोटा छोटा होता जाएगा, स्पार्ट को नीचे से जाके कनेक्ट करेगा। तो ये जो बनाना गेट है इसमें डिगेटिंग और गेट हाइड करने का ऑप्शन रहता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो सबसे पहले आपको बता दूं। ये जो जहां पे भी एक गेट टनल आप बनाओगे ना, तो वहां पे आपको एक इंसर्ट डालना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे। इंसर्ट का काम क्या क्या रहेगा, इंसर्ट को हम आधा आधा करके वहां पे मोड में बिठा देंगे, और फिर इसके लिए जगह ज्यादा लगेगा फर्स्ट थिंग, देन Thank you.
इसको अगर मैन्युअली डिजाइन करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। थोड़ा सा मूव करके ले लेता हूं मैं इसको। सभी ज्यादा हो गए। ठीक है, ये गेट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बनाने के लिए, आपको इसको कंपलसरी स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, फेस मूव करने के लिए तो इस तरीके से ये गेट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अभी इसके पीछे इजेक्टर पिन देने में 10 mm का डिस्टेंस रखना है, नहीं तो फिर ये क्या टच हो जाता है ना। अब इसको स्प्लिट इंसर्ट डालना पड़ता है, हमेशा वहां पे आपको एक इंसर्ट डालना पड़ता है कोर इसमें। इसका दो हाफ में मशीन करके हम इसको अंदर बोल्ट कर देंगे। एग्जैक्टली, तो साइड में ऐसा डिस्टेंस रखते है और फिर वहां पे हम लोग इसको बोल्टिंग कर देते है।
लेकिन सर इसके सबमरीन में इजेक्टर पिन से देने में और इसमें पार्ट में देने से हमें फायदा क्या हुआ? सबमरीन में इजेक्टर पिन से अगर देते हैं ना तो इजेक्ट, देखिए क्या होता है, डायरेक्ट पार्ट के ऊपर देते हैं तो पार्ट का एक वॉल रहता है जिसके ऊपर निशान आ जाता है, बराबर। सर और जहां पे ज्यादा डीप जाने का आपको प्रॉब्लम है वहां पे आप इजेक्टर पिन के ऊपर दे सकते हो। ये ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है सर, इसको एडीएम कर लेंगे हम, ये ईडीएम कर सकते हैं आप आराम से, एग्जैक्टली मशीनिंग भी हो सकता है सर। ये ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, बट इसका जो पार्टिंग आएगा वो कंपोनेंट में आपको पहले से अप्रूव है या नहीं चेक करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, मेरा कंपोनेंट एरिया उसके अंदर घुस गया ना, यस सर। और फिर बोल्टिंग करने के, देखिए कभी कभी बोल्टिंग के लिए पॉसिबल नहीं रहता तो इसमें आप एल शेप का कॉलर भी कर सकते हो, नहीं क्या? हाँ सर, पीछे से हाँ, इंसर्ट पीछे करके से घुस कॉलर, जाएगा। हाँ यस। तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो ठीक है सर, ओके, ठीक है, कल पिन पॉइंट के गेट के लिए देखेंगे कल के सेशन में, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते। यस सर, ओके अंकुश, देन गुड नाइट, कुछ डाउट्स है तो कल आप ओके पूछ सर, लीजिए मुझे। हाँ श्योर सर, गुड नाइट, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर।